डेहरी का पाली पुल बना मौत का पुल। लगातार सड़क दुर्घटना एवं हो रही मौतों से पाली पुल का नाम लोगों ने मौत का पुल रख दिया। इस पुल के निर्माण एवं परिचालन पर भी लोगों ने उठाया कई सवाल। कहा, वर्षों पहले बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने रिमोट के द्वारा इस पुल का उद्घाटन किया था, परंतु वस्तु स्थिति यहां पर आके किसी अधिकारियों ने नहीं देखा कि इस पुल के आसपास कितनी जगहें हैं और कितना यहां पर कंजेस्टेड एरिया है। खबर होता है जिले के डेहरी उनसोनसी है, जहां सुबह तड़के ही हुरका के चितरंजन कुमार युवक एवं उनके फुआ की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बताया जाता है कि चितरंजन कुमार अपने फुआ को लेकर घर आ रहे थे और उनका अगले महीने यानी कि 21 तारीख को पचवे महीने में उनका तिलक था और आगे में शादी भी था, तभी सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। गुसाई ग्रामीणों ने सड़क को तो पहले जाम किया और विभाग को बहुत कोसा। आइए सुनते हैं इस संबंध में कौन ऐसा दिन है जो ने क्या कहा। एक लड़का जो है एक बूढ़ी माँ को लेके आ रहा था, उसके बाद एक ट्रक वाला जो है इधर से गया, एक उधर से एक छोटा सा गाड़ी बीच में था और क्या फेल, और बीच में वो क्या बोलते हैं कि घुसा, ट्रक वाला मोड़ा तो उसको ये कर दिया गया। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जब ये बना था ओवरब्रिज, नीतीश कुमार ने ये रिमोट से इसका ये किया था, उद्घाटन किया था। डीएम आए थे तो डीएम को देखना चाहिए था कि जहाँ पे ओवरब्रिज गिरता है वहाँ स्पेस होना चाहिए। कम से कम सैकड़ों लोग यहाँ मारे गए थे, कोई चिंता नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इतना ढलाऊ है, एक बार डीएवी के स्टूडेंट के वैन में वो गाड़ी में सारा कुछ बांस घुस गया था, वो कम से कम 50 बच्चे मरने से बचे थे। मेरा ये कहना है कि प्रशासन यहाँ पे है, पुलिस प्रशासन है, तो खाली एक्सीडेंट होने के बाद आएगा? एक्सीडेंट के पहले उसको देखना नहीं चाहिए कि क्या स्थिति है? थोड़ा आप लोग देखा।